ये लो चाय। आहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता? किस बात के लिए? मैं दुकान पे भी काम करूं, मैं घर पे झाड़ू बर्तन पोछा ये भी सब करूं। शादी में आपने सात वचन निभाने का वादा किया था ना, हाँ तो अब भुगतो। ए जी, हम जाते नहीं कुत्ता के बिस्किट खियावे। काहेला? हम सुनले बनी नू कि कुत्ता के बिस्किट खियावला से सात जन्मला रहुआ हमरे दुल्हा बन के रहे। तनी बिस्कुटवा दिखाइबू कैसन बा। कुत्ता के बिस्किट खा गई नहीं, पेट खराब हो जाए। रोवर एक बार पेट खराब हो जाए मंजूर बा, लेकिन सात जन्मला हमरे जिंदगी खराब ना हो गई चाहे। हमनी के शादी तू खाली होके दो, और जन्म खातिर तोहरे के मांग लेम। अरे ते होके देना शादी, अगला जन्म से शादी के नाम सुनते देह कापे लागी तोर। आज मेरे शादी की सालगिरह है दोस्तों। आज ही के दिन पिछले साल मुझे शादी का सपना आया था। लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? तुमसे कितनी बार बोला है कि गेट पर खड़े मत होया करो, पर बात तुम्हारे भेजे में भरती ही नहीं। घर में पड़े पड़े बोर हो रहा था मैं, यहाँ आकर इसलिए खड़ा हो गया कि चलते फिरते आदमी दिखाई देंगे तो थोड़ा मन लग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे बस समझाओ, तुम्हारे जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे जैसे पति बिल्कुल टेबल फैन की तरह होते हैं। एक बार ये पागलों वाली हरकतें छोड़ो और घर का काम खत्म करो फटाफट। अरे जिस लड़के की शादी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ हुई हो, वो पागल वाली हरकतें नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अच्छा ऐसी बात है, तो आज तुम रेस्ट करो, घर का सारा काम मैं ही कर लेती हूँ। नौकरी नहीं करेगा तो कौन बाप इसको अपनी बेटी देगा, इस जैसे निकम्मे को? अरे नहीं करनी यार कोई नौकरी, नहीं करनी कोई शादी। साला एक लड़का होने के चक्कर में पूरे शौक ही मार लिए। मैं सोच रही हूँ आज घर का सारा काम मैं करूँ। कल जो मैं पैसे गिन रहा था ना, वो मैं बिजली का बिल भर आया हूँ। उठ के बर्तन धो लो जाके। भाई तुझे पता है कि ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है? क्यों? क्योंकि जिसने ट्रेन का आविष्कार किया था ना, उसी की एक्स गर्लफ्रेंड उसमें बैठकर भाग गई थी। तुझे पता थी ये बात? नहीं यार, मुझे तो अभी पता चला। इतना प्यार से तो देख देख के कोरेजा काट ले लू हमार। हाँ तो अभी से संभाल के रहो, ना तो धीरे धीरे आँख किडनी लीवर सब निकाल ले। सुनो मैं सोच रही हूँ अपनी सदर बाजार वाली प्रॉपर्टी हटा के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूँ। यार ये छोटे मोटे डिसीजन हुआ करें तो खुद ले लिया करो, मुझसे ना पूछा करो। मेरा यही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि आज शाम में खाने में क्या बनेगा। देखो अब तारा से प्यार तो हो ही गई, बस तू ही बताओ कि तारा के पावे खातिर क्या करे के पड़ी। बस पूरा ठंडी भर सुबेरे शाम हमरा घर के बर्तन धो दिखल करी। सुनो हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ लेकिन इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी करेगा कौन? ये क्या सड़ी हुई सब्जी लेकर आयो? कोई अंधा भी जाता ना वो भी इससे अच्छी सब्जी लेकर आता। रस्ते में तुम्हारे पापा मिल गए थे, उन्होंने कहा था बेटा ये सड़ी हुई सब्जी किसी गाय को डाल देना। तो मैं क्या गाय हूँ? शादी से पहले तो यही कहा था, हमारी बेटी तो गाय है, खाओ। जब तारा धोखे ही देवे करल तो झूठे नु 10 दिन खाती प्यार कोइलू हो? हाँ तो हमरा का पता रहल कि 10 दिन में कंगाल हो जेब तू। भैया ये कितने का है? 1200 रुपए मैडम।
भैया बट मेरे पास तो 300 रुपए ही हैं। शक्ल से गरीब लगती हैं आप, लाइए निकालिए। अरे भैया मैंने कब कहा आपको पैक करने के लिए, मैं 300 रुपए नहीं दूंगी। अच्छा कितना देंगे? मैं 50 रुपए दूंगी। कैसी बेशरम औरत है मैडम आप, 1200 रुपए की चीज है 50 रुपए देनी है, लाइए निकालिए।